अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ तंदूरी चिकन लेग। ये मैंने अवन में बनाया था, लेकिन मैं आपको कुकर में बनाने का तरीका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि अगर घर पे आपके अवन नहीं है तो कुकर में आप उसे कैसे प्रिपेयर करोगे सेम मसालों के साथ। ठीक है, देखिए ये कितना अमेजिंग दिख रहा है। कुकर में भी आप बनाओगे तो बिल्कुल ऐसा ही लुक आएगा और बहुत ही यमी बनता है ये। तो चलिए मैं आपसे शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें क्या क्या मसाले ऐड किए थे और कैसे मैंने ये चिकन लेग प्रिपेयर किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चिकन के लेग पीसेस ले लिए हैं, तकरीबन 6 से 7 होगा ये लेग पीस। इसमें हम कट्स लगाएंगे, मैंने वॉश करके अच्छे से ले लिया इसे, अभी हम कट्स लगाएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ मैं कट्स लगा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको कट्स लगाना है। ये जो मैंने बोन के पास कट लगाई हूँ, इसका कट लगाने का रीज़न ये है, जो वीन्स होता है वो कट जाएगा तो इसमें अगर कहीं पर भी खून होगा अंदर तो वो प्रॉपर तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, वो जमा हुआ नहीं रहेगा जब आप कुक करोगे तो। आप कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं से खून निकलने लगता है, तो वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो अभी कट्स लगाने के बाद आप इसे एक और बार वॉश कर लेना। ये देखिए यहाँ पे ये जो मैंने कट्स लगाया, ये भी इसका भी कट लगाने का रीज़न सेम है कि जब आप चिकन को कुक करोगे तो ये आसानी से मुड़ने लगेगा, स्टिक नहीं रहेगा, कड़क नहीं होगा, आसानी से मुड़ पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने वॉश करके ले लिया अच्छे से कट्स लगाने के बाद। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। आपको क्या करना है, कट्स लगाने के बाद वॉश करोगे तो आपको इसे वेट एक ड्राई टॉवल से इसके जो वेटनेस है उसको कम कर देना है, सुखा देना है। ठीक है, तो नमक डाल दिया मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ डालूँगी 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 से 7 लेग पीस ली हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओगे तो आप उसको डबल कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब हम आगे का इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जाएगा 3.5 टीस्पून भरकर कश्मीरी रेड चिली पाउडर, यानी कि कलर वाली जो मिर्ची पाउडर होती है वो हम इसमें ऐड करेंगे, 3.5 टीस्पून जितना। ठीक है, अब मैंने ग्लव्स पहन लिया है और इसे हम मैरिनेट कर लेंगे अच्छे से मसालों को मिला लेंगे। ठीक है, अच्छे से जो कट्स लगाए हैं हमने उसमें अंदर तक के तक मसाला अच्छे से मैरिनेट हो जाए, इस तरीके से आपको कट्स में सारे मसाले मैरिनेट करने हैं अच्छे से मसल। देखिए ये फर्स्ट मैरिनेशन हो गया है हमारा, इट्स डन। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब आएगी बारी सेकेंड मैरिनेशन की। फर्स्ट मैरिनेशन के बाद अब सेकेंड मैरिनेशन में हम सबसे पहले ऐड करेंगे यहाँ पे हंग कर्ड। अगर आपके पास हंग कर्ड नहीं है तो जो रेगुलर दही आपके पास है उसे आप मसलिन क्लॉथ में डालकर उसका पानी पूरा निकाल लीजिएगा। और देखिए ये गाढ़ा बन गया है पानी निकलने के बाद। तो 1 टेबल स्पून हंग कर्ड लिया है मैंने। उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून कुमिन पाउडर, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट डालेंगे इसमें, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून फूड कलर, रेड फूड कलर। तो ये सारे मसाले हम इसमें दही में डाल देंगे और फिर से ये मसालों को अच्छे से मिला लेंगे मसल के, क्योंकि इसमें दही ऐड किया हमने तो इसे अच्छे से मसल के हम मैरिनेट करेंगे। तो 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है यहाँ पे। अब देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पे मसल के मसालों को मिलाऊंगी, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसे मिक्स करना है मसालों को, और फिर चिकन के पीसेस को हम एक एक करके मैरिनेट कर देंगे। देखिए इस तरीके से आपको मसल के सारे मसालों को मिलाना है ताकि सारे मसालों के फ्लेवर्स आपस में मिल जाए अच्छे से दही के साथ। ये देखिए अच्छे से ये हो गया है। अब चिकन के पीसेस मैंने सारे मैरिनेट कर दिए अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, देखिए अच्छे से सारा मसाला लग चुका है इसके अंदर। अब इसे हम मैरिनेशन के लिए एक साइड में रखेंगे। उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अक्खे लेमन का जूस निचोड़ देंगे हम इसमें। ठीक है, लेमन जूस डालने के बाद फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स दे देंगे ताकि लेमन जूस सारे चिकन के पीसेस में अच्छी तरीके से लग जाए। ठीक है,
ये देखिए अच्छे से मैंने मिला लिया सबको लेमन जूस डालने के बाद। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है, लेकिन अभी इसे और टेस्टी आपको करना है, अगर और टेस्टी बनाना है तो आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट करने रख दीजिएगा, ठीक है। ओवरनाइट मैरिनेट या 4 घंटे का मैरिनेशन। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे ले लिया, उस पर मैंने फॉइल लगा लिया, फॉइल की शीट लगा ली, और हम चिकन के पीसेस को इस पर अरेंज कर देंगे, ठीक है। और मैंने जो आपको स्टार्ट में बताया था कुकर में आप कैसे प्रिपेयर करोगे, उसकी सारी डिटेल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ आप चेक कर सकते हो। अभी दूसरे रैक पे भी मैंने फॉइल शीट लगा दी और यहाँ पे चिकन को प्लेस कर दिया। अब हम इसे ओवन में रखेंगे। अच्छे से आपको कहीं ऐसा लगेगा कि चिकन का मसाला थोड़ा सा रह गया है तो आप अच्छे से इस पर लगा लीजिएगा बेक करने से बिल्कुल पहले, ठीक है। अच्छे से चिकन को चेक करके ट्रे में सेट कर देंगे, मसाला जहाँ जहाँ नहीं लगा है वहाँ लगा देंगे, और उसके बाद हम इसे ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, ओवन में मैंने डाल दिया है दोनों ट्रे, अब इसे बेक होने देंगे। तकरीबन 180 डिग्री पे हम इसे बेक करेंगे। मैंने इसे बेक किया था टोटल 40 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स ईच, हाँ 20 मिनट एक साइड फिर पलट के 20 मिनट, इस तरीके से आपको इसे बेक करना है, ठीक है। अब 20 मिनट्स होने के बाद इस पर मैंने क्या किया, इसे निकाल कर इस पर बटर अप्लाई किया अच्छे से। बटर अप्लाई करने से क्या होगा, आपका जो चिकन है वो मॉइस्ट बनेगा, अंदर से ड्राई और कड़क नहीं होगा, ठीक है। तो बटर अप्लाई करना ज़रूरी है। बटर अप्लाई करने के बाद फिर 20 मिनट्स आप इसे ओवन में डाल के बेक कर लीजिएगा पलट पलट के, ठीक है। 20 मिनट्स एक तरफ फिर 20 मिनट्स एक तरफ, ऐसे करके आपको बेक करना है। टोटल 40 मिनट्स में आपका चिकन तंदूरी ओवन में रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बटर अप्लाई कर लिया अच्छे से। बटर अप्लाई करने के बाद मैं इसे ओवन में डाल दूँगी 20 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूरे 40 मिनट्स होने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एक बर्तन में सारे चिकन के पीसेस को रख दिया और गरम कोयला एक फॉइल के कटोरी में रख कर अब मैं यहाँ इस पर बटर डाल रही हूँ और इसको हम स्मोक देंगे। ढक्कन लगा दिया है मैंने अच्छे से इसे पैक कर लीजिएगा ताकि जो पूरा चिकन में स्मोकी फ्लेवर जो है अच्छे से बैठ जाए। अगर आपको ये आइडिया नहीं पसंद, ये स्किप करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, चिकन के पीसेस को डायरेक्ट गैस के ऊपर चिमटे से पकड़ के अलट पलट करके आपको उसको कलर आने तक के, वो स्मोकी फ्लेवर आने तक के थोड़ा सेक लेना है, ठीक है। अगर ये प्रोसेस आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आ जाता है चिकन में और जूसी हमारा चिकन रहता है अंदर से, बहुत ही मज़े का बनता है। तो इधर आपको जैसा चाहिए, अगर आप ये स्टेप फॉलो करना चाहते तो ये कीजिए, या तो फिर डायरेक्टली आप बटर लगा के चिकन पे गैस पे थोड़ा सा सेक लीजिए, ठीक है। पूरा ये होने के बाद देखिए हमारा चिकन लेग जो है रेडी हो गया है। इसे मैंने दही में बनी हुई ग्रीन चटनी डालकर सर्व किया था, बहुत ही यम्मी टेस्ट बना था इसका और बहुत ही जूसी और टेंडर बना था, ये अंदर तक कुक हुआ था अच्छे से। तो इस तरीके की रेसिपी मैं आपके पास लाती रहूँगी, आपसे शेयर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।